पूरे ही ना उनको तीन मर्द बच्चे थे, शादियाँ उनका अलग अलग थे, एक बच्चा जोड़ में था, तो दो बेटियाँ एक लाजा दे तुम समीर बच्चा मक्की की नमाज पढ़ लखो घर में आको बैठा था सो ओ नाया हेलो आरुण जी कहा थे तुम्हें घर में ही बुलाई मेरी बच्ची का जाने गली को 8 साल नहीं गली वाले को पूछ लियो आपको हमें कैसे अम्मा बच्चे घर को मालूम होता है एक लड़ी का बच्चा 8 वन के टापन सीता था सो सदा बच्चा घर को माँ को उनका बच्चा लाखो दे नहीं सकते मैं 100 करोड़ 20 लाख बोल रहा ना उन्हें बोलने बैठ रहे कौन कौन की चाय पिलाता है कौन की बीड़ी देता ना उनको बोलने के बाद हमें उनके बाद सुनने का देने की नियत रही तो उन सबा को मदद करेंगे बच्चा बच्चा तो लाखो नहीं दे सकते 100 करोड़ पूरा मैसूर उनके नाम पर लिखवा दे तो भी उनके ऊपर जो दुख बीतरा है जो उनको तकलीफ हो रही है जो उनका औलाद गवा ली उन्होंने वो माँ कुछ मालूम हो तकलीफ बोलने वाले सबको बोलती किसे छोड़ी कुछ छोड़ने तुम ना छोड़ने दुनिया जो ऐसी है बोलेंगे अब समी अभी अर्जेंट को ये अज्जू ब्रदर्स के तरफ से हमारे तरफ से हमारे भाई की तरफ से जमीर भाई को बात करियो जमीर भाई के तरफ से इनको 5 लाख रुपए दिलाने की जिम्मेदारी मेरी घर को बुला लेगा जमीर भाई दे तो वो पैसे मैं कहीं पूछागा तो भाड़ा के तार को भाड़ा के तार कहीं पूछागा तो इनको 4,500 रुपये भाड़ा का तो रोज को 150 रुपये समझ में आ रहा है 500 कमाने का 1,000 कमाने का बच्चा चलेगा इनका अब वो 150 रुपये भी इनको भारी वो 5 लाख रुपये जो आते हैं अभी जरा होना तो जमा को इनको रहने के वास्ते ठिकाना बना के दिया पैसे वेस्ट करने आना को ये खर्चा रख लेंगे मेरे तरफ से जमीर भाई को बुला ले दुआ करो हमें क्या भी नहीं कर सकते ऐसे ऐसे अभी 1,000 अजमैन दिए तुम तुम्हारा बच्चा वापस ला नहीं दे सकते उसके अजमैन तुम्हें क्या चीज करती कर को बोले तो उसकी मफ़िरत वास्ते दुआ करो दूसरे बच्चों को ऐसे काम क्यों ना करके बोलो जमीर भाई को बात करियो मई तुम्हें बोले बात मई सभी रिजवान सब बिल्कुल बात करी जमीर भाई को इनकी हालत पूरी बोल को ही जमीर भाई वादा करी 5 लाख रुपए मेरे तरफ से घर को जाको देंगे जोर को उन्होंने आते मन सीधा घर को बुला लगा तो तुम ना फोन करती इनके हाथ में 5 लाख रुपए देती तुम ना लोग क्या बोल रहे हो वो 5 लाख रुपए में इनके नाम से छोटा मोटा घर दिला को अस्सलाम वालेकुम मैं अफसर मैसूरी नाजरीन इकराम आज शहर मैसूर में वाकई शांति नगर जहां पिछले दिनों सदाकत खान का जो है बहुत बेरहमी से कत्ल हो जाता है उसके बाद से हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई माली मदद नहीं मिलती है फिर बाद में जो है रफ्ता रफ्ता बहुत सारे लीडरान बहुत सारे जिम्मेदारान यहां पर आते हैं मगर किसी किस्म का कोई जो है माली मदद जो है यहां पर नहीं मिलती उसी दरमियान हमारे और आपके जाने माने शख्सियत अज्जू ब्रदरान जो है इनके घर पहुंचे हैं हम जानना चाहते हैं कि ये क्या माजरा है और आप यहाँ पर किस बुनियाद पर आए हैं और आपका क्या इरादा है और आप जो है किस जो है पहल को यहाँ से शुरू करना चाहते हैं जनाब अली अस्सलाम वालेकुम आज बहुत तुक्का दिन हमारे साथ जो हमारा नौजवान एक बच्चा सदाकत खान जो माँ का बच्चा बिछड़ गया है
हमें पूरे मिल को जिम्मेदारान कौन मिले तो भी वो बच्चा वापस लाको नहीं दे सकते। वो माँ की हिम्मत बन सकती हैं, वो माँ को हिम्मत दे सकती हैं, उनके आइंदा की ज़िंदगी के वास्ते कुछ ना कुछ सहारा बन सकती। और पुलिस डिपार्टमेंट बहुत जल्दी इमिडिएटली मैसूर का पुलिस डिपार्टमेंट इमिडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेको, 7 जने को जो वो जो अपराधी हैं उनको अरेस्ट करें। मैं पुलिस डिपार्टमेंट का ये लोगों की जानिब से फैमिली की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना जल्दी, क्योंकि दूसरा हादसा होने के पहले दूसरे हमारे नौजवान भड़क को कुछ करने के पहले रिजल्ट दिया। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ डिमांड करना चाहता हूँ, आज गवर्नमेंट ऐसे जो एक्सीडेंट होते हैं दूसरी जगह हम देख रहे हैं, तब का तब पूरा डिपार्टमेंट जाता है, वहाँ का MLA जाता है, वहाँ का मिनिस्टर जाता है, वहाँ इतना तक के वहाँ के CM जाको 25 लाख 50 लाख ग्रांट देती है इंक्वायरी को, बहुत सख्त। आज मीडिया में हमें देखते रहते हैं, काम भी एक छोटा एक्सीडेंट हो को मर गया तो भी किसका की नाम बोल को उनको पैसे देने का आज परंपरा कर्नाटक में चलने का रहा है। मैं गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहता हूँ कि वो घर नौजवान जो था उन्हें कमा को घर का भाड़ा 4,500 बनना था, वो माँ को पालना था, उसका सहारा था। मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से डिमांड करना चाहता हूँ, हमें 50 लाख 90,000 करोड़ रुपए दिए तो तुम्हें गवर्नमेंट से इस ये मामले में कम की कहते हो। इनो गरीबा BPL होल्ड रहा, इनो कौन से भी मालदारा नहीं, उन्हें कूली कर को आटवांग का टॉप रिपेयरिंग कर को सी को खाने वाला, हमारे पैसे पूछ रही सो गवर्नमेंट से, क्या भी गवर्नमेंट के बाप के पैसे नहीं, वो जो हमें कंदाया बन रही, जो टैक्स बन रही, जो पानी के बिल बन रही, उससे गवर्नमेंट चल रही है सो, उससे मिनिस्टरों को धर्मा मिलता है सो, उससे MLA को धर्मा मिलता है सो, ऐसे चीज़ आगे वास्ते फंड रखो रहती। इनो क्या भी इनकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से, वो फंड में जैसा दूसरी जात वाले मर रही वहाँ जो तुम्हें 50 लाख के करोड़ जो डिपार्टमेंट जाको जो मिनिस्टर जाको कर रही ये भी करना ज़रूरी। ऐसे चीज़ें हो लग गए तो गवर्नमेंट से कानून से आदमियों का भरोसा होना हो जाता है कि गवर्नमेंट एक जात को है क्या पूरी इंसानियत को है, कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों की गवर्नमेंट क्या खाली एक जात की गवर्नमेंट कर को हम ना कान की गुमान आता है। हमें आज आको ही बहुत से जिम्मेदार आको या माँ को हिम्मत देखो जाको ही मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे दोस्त समी साहब 2 दिन से हमारे कारपेंटर समी साहब को हमारे रिजवान जबी साहब को टच में थे उन्होंने आ रही हमें आको उनका जख्म और ताज़ा करको कैसा हुआ क्या हुआ कब गया ये पूरी अंगों मालूम हो गए पूरे सोशल मीडिया के थ्रू, उसका नाम उसका पता कौन बुला ले को गए वो क्या हुआ उन्होंने कमाई तो उन्होंने खाना था ये सब चीज़ें मालूम है। हमें जाते सो जाते हो माँ को एक हिम्मत देना, वो बच्चे के हक में दुआ करना, अल्लाह उसकी मगफिरत करना, हमारे तरफ से एक छोटा छोटा एक तोहफा अज्जू ब्रदर्स के तरफ से माँ के वास्ते देखो ही। इंशाल्लाह हमारे लीडर जमीर अहमद खान साहब से मैं बात करें, आज बात कर को पूरी स्टोरी बोल को इंशाल्लाह एक 4-5 दिन में मैसूर का जो दौरा रहता है ये घर को बुला ले का को इनको रहने के वास्ते घर का सहारा। आज 4,500 रुपये का तो रोज़ को 150 रुपये होगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कर देना इनको। हमारे MLA साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, MLA साहब कने आश्रय योजना स्लम बर्ड योजना ये जी कोटा के सब रहती ना फाइट कर को हमारे MLA साहब इनको रहने के वास्ते इनो रह तक भाड़ा नहीं रहना घर रहना इनको घर को बोल को। और मैं जमीर भाई से गुजारिश कर लेने टेम्पो बोल को ही उनके जानिब से जमीर भाई की जानिब से 5 लाख रुपए देने का वादा कर को ही इंशाल्लाह जमीर भाई जब मैसूर को आती वो टेम्पो बुला लेगा कोई माँ के आइंदा की ज़िंदगी के वास्ते 5 लाख रुपए दिलाने का माँ से वादा करूँ। अज्जू ब्रदर्स के जानिब से 50,000 की एक छोटी मदद कर को आइंदा कभी उन्हें वंटी इनका बच्चा था आज पूरे मैसूर के जितने भी नौजवान आई ये माँ के साथ ही हमें पहले दुआ करेंगे उसके बाद हमारे नौजवानों को एक गुजारिश करना चाहता हूँ ऐसे चीज़ों से बचे वंटी संटी 11-12 जरा गलत दोस्तियाँ से बचे। मैं बुरा अच्छा हूँ मेरा दोस्त बुरा का तो उससे हमें हिफाजत अता फरमाना। और हमारे नौजवान खासकर आज के माहौल के अंदर बहुत सोच समझ को किया तो घर में उनके जिम्मेदारान जपते रहती उनको इनो जाने से पहले वो माँ जपते रचे बाप जपते रहता भाई जपते रहता जोरू जपते रचे वो फिकर लग ले को वंटी संटी जाना छोड़ना। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से और एक बार उनको सख्त से सख्त सजा देना और किसके साथ भी ऐसा हादसा करने के पहले दूसरे 100 बार सूचना। अस्सलाम वालेकुम फरमान। इस दरमियान वार्ड नंबर 9 के कारपोरेटर जनाब समी अज्जू साहब भी मौजूद हैं, हम जानना चाहते हैं इस तरह के हालात को लेकर
जब कोई भी जो है मीडिया, जो बड़ी बड़ी मीडिया है वो भी जो है दिखा नहीं पाई, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी हुआ सब मीडिया में एक हलचल मच जाता। जब कोई किसी का कत्ल करता है तो जब कोई इस तरह के हालात आते हैं तो मीडिया जो है बहुत बढ़ चढ़ को हिस्सा लेती है। इस मरतबा इस तरह नहीं हुआ सब, क्या क्या हमारी क्या भी हैसियत नहीं है, क्या नहीं है सर? नहीं अफसर भी हैसियत की बात नहीं। जब भी ये हादसा गुजरा पूरे आपके जो चार भी आप जो डिजिटल मीडिया बने हमने वो भी मैं भी वो मैसूर न्यूज़ ऑन वाले को सभी रब्ता करे, ये बड़ा इशू है कोसा। आप ये देख रही हैं भाजी साहब बोले सरकार हर जगह कांकी उन्हें मरगा इन्हें मरगा, गवर्नमेंट जरिए 25 लाख 50 लाख उन्हें कई को मरिया, उसका ये क्या? आज ये मैसूर की ये छोकरे की पूरा मैसूर गवाही दे रहा। अच्छा बच्चा, मेहनती बच्चा, अम्मा को देख लग जाता था, भाड़े के घर में है घर को, वो रकले को हमें कल मंजे समी परसों फ़ोन करे, मई हाजी साहब सब मशवरा करको जमीर भी से बात करे, जमीर भी उनको वादा करको ही अब मैं आता हूँ देखता हूँ करको, तब जमीर भी आए तो हमें बुलाने का मकसद भी क्या करते, जमीर भी आए तो जब कहें कि गवर्नमेंट का तवज्जो जाएगा, एक बड़ा लीडर आ रहा है, MLA आ रहा है बेंगलुरु से, यहाँ को MLA आ रहा ना, क्या मसला करको हमारा बुलाने का मकसद ऐसा, तो जमीर भी महीने में एक जो भी मैसूर का छोटा मोटा मसला रहता हमारे से जाता है, उन आज तक नहीं करको बोल को नहीं 20 साल से ये क्या भी कल परसों का उनका हमारा रिश्ता नहीं 20 साल से भी ये मसले में आप बोल लेती हूँ हम ना उनको बुलाने का तवज्जा क्या करते हो, जमीर भी आ रही है तो उनके इसमें आ जाता वो पुलिस की नोटिस में आता डिपार्टमेंट के, आज जमीर भी मैसूर को आ रही घर को, तब यहाँ से बैठ को जो मीडिया है जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके तरफ से एक ज़रा प्रेशर डाला को हमें काम करी, पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें क्या भी दूसरी बात नहीं, पूरे जो उनके हिसाब से काम करना करी, जमीर भी की तरफ से एक बार प्रेशर डालेंगे अगर को हमारा बुलाने का मकसद, उनको बुलाना उनके हाथ से पैसे देना वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने आए तो कहें कि ये केस में ज़रा दबाव बढ़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर तवज्जो जाता है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को बात करे जाए, कहें कि सेशन में उठ को गवर्नमेंट में बात करे जाए कि तुम्हें ऐसा एक जने को ऐसा एक जने को ऐसा मैसूर में एक बच्चे का ऐसा मर्डर होगा तुम्हें क्या करे, उनको 10 रुपये की मदद करे क्या, नहीं कौन तो भी जाको तुम्हें लोकल आदमी आएंगे लोकल MLA होंगे मिनिस्टर होंगे कौन तो भी देखेगा अगर को, ये बुलाने का हमारा मकसद हमें जो प्लान करी जमीर भी आए तो कांकी करती वो केस को ज़रा दबाव मिलता है अगर को। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सदाकत खान के घर पर बाकायदा अज्जू ब्रदरान जो है इनके पूरे काफिले के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हम जानना चाहते हैं सदाकत खान के रिश्तेदारों से भी बात करेंगे कि अज्जू ब्रदरान आने से जो है आप कहाँ तक तसल्ली बख्श आपको जो है जवाब मिला, आप थोड़ा आइए सर। अज्जू ब्रदर्स की तरफ से मुझे बहुत खुशी की बात है, उन्होंने भाई सब मिलकर घर के पास आए, उन्होंने उनकी अम्मा को 50,000 रुपये दिए, हमारे MLA साहब कांसों को ही मैं पूछ रहा हूँ आवाम से, और हमें क्या बोलती मुसलमाना का वोट डालो, MLA की सीट बचा लो, एक ही जगह MLA है सो मुसलमान, दूसरा कौन भी MLA नहीं है कहती कहाँ ही। आज हमारे MLA साहब बेंगलुरु में मीटिंग कर रही हैं, इन्हें कुश्तियाँ देख रही हैं, इन्हें कहाँ ही को उसके बारे में पूछ रहा हूँ सो मुझे क्या भी उनसे दुश्मनी की नहीं है भाई, मगर MLA इतना बड़ा हादसा हुए के बाद उनके घर के पास आपको देख सकते थे, उनके घर से क्या भी दूर भी नहीं है, ये 4-5 किलोमीटर का हिस्सा रहा तो अलाहाबाद 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको इनको मिल सकते थे, आपको इनको एक तसल्ली तो दे सकते थे। हमारे MLA साहब कहाँ सो को ही का मुझे ख्याल नहीं है, गलती होकर तो MLA साहब माफ़ करना हमारे हाथ से, वताज बोलना चाहता हूँ सर, MLA साहब नेक्स्ट ऐसे काम में तो भी सामने है तो अच्छा है। यहाँ देखा जा सकता है बाकायदा लोगों के चेहरों पर जो है नाराज़गी का इजहार है, क्योंकि हमारे जो NR हलके के रुकन असम्बली आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब जो हैं अभी तक ये जो मकतूल के घर पर पहुँचे नहीं हैं। एक और साथी हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर लीडर आए जिम्मेदार आए खाली तसल्ली की बात कर गए, क्या आपको कुछ जो है माली मदद हुई सब? सबसे पहले मैं हमारी फैमिली की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैसूर ऑफ कमिश्नर, मैसूर ऑफ ACP, मैसूर ऑफ DCP, हमारे खासकर लश्कर के संतोष सर का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया करता हूँ हमारी फैमिली से, क्योंकि हमारा सुकून देने का सबसे पहला कारण हमारा सुकून ये था जो हमारे भाई का कत्ल कर रहे थे उनको सलाखों के पीछे डालना था, ये हमारा पहला मकसद था, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ज़रिए से हमारा मकसद वो पूरा हुआ, तो सबसे पहले मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। और रही बात दूसरी, सारे लीडर्स आए जैसा कि अब्दुल मजीद साहब है, शाहिद साहब है, और सबसे ज़्यादा हमारा अज्जू ब्रदर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मालूम नहीं था, इन्फॉर्म होते इमीजिएटली वो भी आए। लेकिन एक सबसे बड़े दुख की बात क्या है अगर को बोले तो, जिसके हक में ये इख्तियार है जो आकर देख कर गवर्नमेंट फैसिलिटी जो भी दिला सकते थे वो नहीं आया यहाँ पे। हम लोग एक बार उनके घर पे गया था, मैं खुद गया था, दूसरी बार एक कहीं कुश्तियों का
इनते ये फंक्शन चल रहा था स्टेज पे, मैं वहाँ भी जाके उनको बोल के आया तो कल सवेरे आता हूँ बोल के मुझे वादा करे। पता नहीं उनके पास उनकी ज़बान की वैल्यू है या नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत उम्मीद रखे थे उनकी ज़बान के ऊपर, लेकिन वह नहीं, बहुत दिल बेजार हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ, रोड के काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ, बिल्डिंग बनने के काम के लिए नहीं बुला रहा हूँ। एक नौजवान बेवा बेगो का 20.8 साल का नन्वी बच्चा शहीद हो गया, उसके वास्ते सेठ साहब से क्या बोलूँ, मुझे समझ में ज़बान में अल्फाज नहीं आ रहे हैं कि इख्तियार में रहते हुए हम लोग किसके लिए बुला रहे हैं, किसे बुला रहे हैं। जिसके हक में अल्लाह इख्तियार दिया है वो कुछ करता है बोल के एक उम्मीद से हम लोग उनको गए उनके पास, एक से दो बार जाके उनको दावत दिए। आओ ऐसा बहुत मुश्किल हालात है, बहुत तकलीफ में, अगर हमें जाको बोले। और मैं कौन भी उनके वास्ते अजनबी नहीं, 25 साल उनके साथ रहा हूँ, 15 साल उन शेर साहब को खुद मालूम है, जितने भी उनके साथ लीडर्स हैं आज कांग्रेस के अंदर सब मुझे जानते हैं। मैं ऐसा नहीं कि कोई नया आदमी हूँ, मैं जाके बुलाया वो नहीं है, 25 साल मैं भी उनके साथ जुड़ के काम करने के बावजूद भी, मेरे घर में ये हादसा होने के बाद भी वो आकर एक बार क्या हुआ कैसे हुआ पुलिस डिपार्टमेंट से दरियाफ्त कैसे किए, शायद वो आगे पीछे कर रहे या नहीं कर रहे वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हमारे सामने एक बार आके जो बच्चे की अम्मा है उनको एक बार दिलासा दे के तसली दे के जा सकते थे, हमारा बहुत दिल खुश हो सकता, खुश होता, लेकिन वो नहीं करे। आज हमारा एक बहुत बड़ी बेजारगी है सेठ साहब को लेकर। जी सर, आपकी जो भी नाराज़गी है हम उन तक पहुँचाएँगे। एक दो बात जो है, सदाकत खान जो पिछले दिनों शहीद हो गए, उनकी वालिदा भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जिस तरह अज्जू प्रधान की तरफ से एक बड़ी माली मदद और एक तसल्ली बख्श जो है जवाब आया हुआ है, सबके सामने ये बात हुई है, और जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब रुकन असम्बली चामराजपेट, उन्होंने भी एक बड़ी तसल्ली देकर डायरेक्ट फ़ोन में बात कर उन्हें तसल्ली दी है। हम जानना चाहेंगे कि अब इनके क्या हालात हैं, ये क्या कहना चाहेंगी। जिस तरह अज्जू प्रधान यहाँ पर आए, आपको जो है उम्मीद दिलाई, उसको लेकर आप क्या बोलती हैं? यार मेरे बच्चे को कड़ी से कड़ी उनको सजा देने करो। अच्छा बच्चा मेरा एक लड़ी पंचायत में नहीं है, पूरे स्टेशन में मेरे बच्चे का नाम देख लियो है क्या, आज तक एक स्टेशन की सीढ़ी को सा भी चढ़ को नहीं है मेरा बच्चा। छोटी उम्र से काम करो, चौथी क्लास छोड़ को मेरा बच्चा रहा बरा सो, आज तक भी मैं विवाह छोटे बच्चे लेख पाली सो, मेरे भाई कने छोटे भाई कने रखो, मेरा बच्चा काम करता था सो मेरे घर में, दशहरे के बाद रजा में घर में 5 घंटियाँ को अक्का ना देमी गाना काले को नमाज गुजा को तुम गरीब ठीक को आको चा पी लो को मेरा बच्चा फोन आया रू मैं बोलिए बा दीदी क्या जाना न रे अमी जोला जा मैं आतुमी तो बुरका वड़ी तक आतुमी घर को 8 दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं आया मार डाले तो चाकू चुप शहीद का मर्तबा देता है। अब जिस तरह अज्जू प्रधान जो है आए, ज़मीर भाई बात करें ना, उनको लेकर क्या बोलना चाहती हैं? अज्जू भैया का शुक्रिया अदा कर चु मई, बहुत कड़ी से कड़ी सजा दियो, उसे छोड़ो न को। ओके मां, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है गम की लहर आपको देखने को मिलती है। वालिदा जो है अपने एक नौजवान बच्चे को खो चुकी हैं, उनका इन्हें बहुत गम है। और इसी तरह आज बाकायदा अज्जू प्रधान की जानिब से जो है यहाँ पर आकर इनका मुआयना किया और इनको माली मदद की और ज़मीर अहमद साहब से भी जो है बात कराई। तो इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है इस तरह के अकदाम को लेकर, और खुसूसन एक साबिक़े वज़ीर होने के नाते एक जो है मज़लूमा से बात की फ़ोन पर, वो देखकर जो है कहीं ना कहीं खुशी होती है। इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है इस तरह की हालात को लेकर, आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।